एक आदमी तो बहुत गरीब है, दूसरा बहुत धनवान है, तीसरा बड़ा राजा महाराजा या अन्य पद वाला है। वे सब अपनी जगह ही ओहदेदार हैं। भगवान के पास उनके पद की कोई भी कीमत नहीं है। भगवान तो समदर्शी हैं। वे इस बात पर ध्यान नहीं दिया करते कि यह तो गरीब है और वह धनवान है। उनके तो सब समान है। धनी की अपेक्षा भगवान गरीबों पर विशेष ध्यान दिया करते हैं। इस संबंध में एक सुंदर व्याख्यान स्मरण आ गया है, वह आपको बतलाया जाता है। एक राजा थे, उनका नाम था चोल। वे भगवान के बड़े भक्त थे एवं वे बड़े ईश्वर परायण और बहुत ही श्रेष्ठ राजा थे। वे भगवान की खूब भक्ति किया करते थे। एक बार राजा चोल ने भगवान के मंदिर में बैठकर बड़े प्रेम से भगवान की पूजा की, भगवान को खूब भोग लगाया, उनकी आरती की, स्तुति प्रार्थना एवं भगवान को नमस्कार किया। फिर पूजा करने के बाद भगवान के नाम का जप एवं उनका ध्यान करने के लिए राजा चोल उसी मंदिर में वहीं पर बैठ गए। भगवान की पूजा बड़े ठाट बाट से की गई थी। पूजन की सब सामग्रियां भगवान के मस्तक पर चढ़ी थी। इतने में एक विष्णु शर्मा नामक गरीब ब्राह्मण भगवान की पूजा करने के लिए उस मंदिर में आया। वह बेचारा भगवान की पूजा करने के लिए जंगल से पत्ते, पुष्प, फल आदि साधारण सामग्री लाया। गरीब ब्राह्मण के पास भगवान के पूजन के लिए राजा की तरह दामी चीजें कहाँ से आती। ब्राह्मण ने देखा भगवान पर सब कीमती चीजें चढ़ाई गई हैं, जिससे भगवान का विग्रह आच्छादित हो रहा है। तब ब्राह्मण ने वह सब कीमती पूजन की सामग्री वहां से हटाकर बदले में जो अपने पास पत्र पुष्प आदि जंगल से लाया था वह भगवान के मस्तक पर चढ़ा दिया। राजा चोल वहां पर बैठे बैठे उस गरीब ब्राह्मण की तरफ देख रहे थे। वह इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सके। राजा चोल ने ब्राह्मण से पूछा, यह आप क्या करते हैं? जो भगवान के लिए बहुमूल्य वस्तुएं चढ़ाई गई थी, जिनके कारण भगवान की शोभा हो रही थी, वे सब कीमती चीजें हटाकर उनके बदले में ये क्या जंगली पुष्प आदि चढ़ा दिए? ब्राह्मण ने जवाब दिया, राजन आपका कहना ठीक है, लेकिन भगवान तो भक्ति से खुश होते हैं, उन कीमती पदार्थों से भगवान खुश नहीं होते। राजा ने कहा, भक्तराज यह बात तो मैं भी स्वीकार करता हूँ, लेकिन क्या भक्ति मुझ में नहीं है और आप में ही है? ब्राह्मण ने जवाब दिया कि यह बात किस प्रकार से कही जाए कि भगवान में मेरी तो भक्ति है और आपकी भक्ति भक्ति नहीं है। तब दोनों ने इस बात का निर्णय किया कि इस बात की परीक्षा लेनी चाहिए कि किस में ज्यादा भक्ति है। दोनों परस्पर अड़ गए। तब यह बात तय की गई कि इस बात का निर्णय तो भगवान की प्राप्ति पर रखा जाए। जिसकी भगवान में भक्ति जोरदार होगी उसको भगवान पहले दर्शन देंगे। इस बात को मानकर स्वीकार करके दोनों खूब साधन करने लगे। राजा ने सोचा मेरी विजय हो, ब्राह्मण ने सोचा मेरी विजय हो। भगवान के लिए वे दोनों पहले से ही लगे हुए थे। अब तो शर्त लग जाने पर भगवान के दर्शन के लिए
खूब तेजी के साथ लग गई। इस प्रकार की भगवत प्राप्ति करने की जो होड़ शर्त यानी लड़ाई भी बहुत ही फायदे को देने वाली है। राजा चोल के पास धन की क्या कमी थी, राजा जो ठहरे। राजा चोल ने पुद्गल नामक श्रेष्ठ ब्राह्मण को बुलाया और उनसे कहा कि अब वैष्णव यज्ञ शुरू करवा दो ताकि साक्षात भगवान के दर्शन हो जाएं। यज्ञ में जितना भी रुपया लगे राज्य को उससे निकलवा लो। यज्ञ में राजा चोल ने अपना धन राज्य कोष पानी की तरह बहाया ताकि भगवान जल्दी से जल्दी मिले। पुद्गल ब्राह्मण ने भी वैष्णव यज्ञ के श्रेष्ठ ज्ञाताओं ब्राह्मणों को इकट्ठा किया और यज्ञ का आरंभ करवा दिया। वैष्णव यज्ञ में लाखों करोड़ों रुपयों की संपत्ति राजा चोल ने पानी की तरह बहा दी। लेकिन यह बेचारा ब्राह्मण तो अत्यंत गरीब था, उसके पास तो रोटियों का भी अभाव था। उन्होंने अपने शरीर से भगवान की भक्ति प्रारंभ कर दी। वे प्रातःकाल जल्दी ही उठकर शौच स्नान से निवृत्त होने के बाद बाकी अपना सब समय भगवान की सेवा पूजा में लगाया करते और उनको भोग लगाने के बाद भोजन किया करते। एक दिन जब ब्राह्मण देवता भगवान की पूजन एवं उनको भोग लगाने के बाद जब खुद भोजन करने के लिए रसोई घर में गए तब देखा कि वे जो रसोई वहां पर छोड़ आए थे उसको कोई चुरा कर ले गया है। तब ब्राह्मण देव सोचने लगे कि क्या करें, घर में आटा तो पड़ा है लेकिन दोबारा रसोई बनाने में अपना घंटा डेढ़ घंटा लग जाएगा और अगर रसोई नहीं बनाऊंगा तो भजन भी ठीक होगा। जितना समय रोटी बनाने में लगेगा उतना भगवान के निमित्त साधन में लग जाएगा, इसलिए आज अब क्या भोजन बनाया जाए। यह सोचकर ब्राह्मण देवता ने भोजन नहीं बनाया और उपवास किया तथा अपना समय भगवान की भक्ति में लगाया। इस प्रकार ब्राह्मण भगवान की बहुत तेजी से भक्ति करने लगा। दूसरे दिन जब ब्राह्मण ने सदा की तरह भगवान की सेवा पूजा करने के बाद भोग लगाया और बाद में जब स्वयं भोजन करने के लिए अपने रसोई घर में गया तब वहां पर जो भोजन वह छोड़ गया था उस भोजन को आज भी कल की तरह कोई उठा कर ले गया। इसी प्रकार तीसरे दिन भी ऐसा ही हुआ। ऐसे 7 दिन बीत गए और ब्राह्मण देवता उपवास कर रहे हैं। अब ब्राह्मण ने सोचा कि क्या उपाय किया जाए, अब तो चोर को पकड़ना चाहिए अन्यथा यह शरीर किस प्रकार चलेगा और यदि शरीर के कमजोर होने पर साधन में कमी आएगी तो उधर राजा चोल यज्ञ कर रहा है उसको पहले भगवान मिल जाएंगे। तब ब्राह्मण ने सोचा कि आज चोर को पकड़ना चाहिए। नित्य की तरह ही जब ब्राह्मण देवता पूजा करके रसोई की तरफ जाने लगे तब उन्होंने देखा कि एक भील जाति का वृद्ध आदमी मैले कुचैले कपड़े पहने है और जल्दी जल्दी रसोई घर से निकलकर बाहर की तरफ जा रहा है। ब्राह्मण ने समझा कि आज चोर को पकड़ लिया, रोज रोज यही भोजन चोरी करके ले जाया करता था। जब वह रोटियां चुरा कर जल्दी जल्दी जा रहा था तब ब्राह्मण ने कहा, आप घबराइए नहीं, शांति से खूब प्रेम पूर्वक यहाँ बैठकर भोजन कर लीजिए। इस प्रकार से उसको आश्वासन दिया। ब्राह्मण की यह बात सुनकर वह वहीं पर ठहर गया और शांति से भोजन कर लिया
वास्तव में तो उस चोर के रूप में भगवान ही आए थे। उन्होंने अपना असली स्वरूप प्रकट कर दिया और ब्राह्मण से कहने लगे, मैं ही तुम्हारी रोटियां चुराने वाला हूँ। मैं तो परीक्षा कर रहा था कि तुम कहाँ तक निभाते हो। तुमको 7 दिन तक भूखे रहने पर जरा भी दुख नहीं हुआ, और जब मुझको चोर के रूप में पकड़ा तब भी तुमने मुझे आश्वासन दिया कि शांति से भोजन कर लो। मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, तुमने भक्ति से मुझको जीत लिया। भगवान ने उसी समय संकल्प किया और तुरंत वहां पर एक सुंदर विमान प्रकट हुआ। उस विमान में भगवान और वह ब्राह्मण बैठ गए और परमधाम को जाने की तैयारी की। परमधाम को जाते समय भगवान राजा चोल जहां पर यज्ञ कर रहे थे उस यज्ञ मंडप की ओर से गए। जब राजा चोल ने देखा ब्राह्मण भगवान के साथ परमधाम को जा रहे हैं, उसकी विजय हो गई। तब राजा चोल के मन में बड़ी भारी ईर्ष्या हुई कि तुमने राजा और धनी होकर क्या किया, तुमको धिक्कार है, तुमको तो मर जाना ही अच्छा था। वह दरिद्री ब्राह्मण तो भगवत प्राप्ति करके तुमसे पहले परमधाम को चला गया, अब तो मुझको मर ही जाना चाहिए। इस प्रकार राजा चोल आत्मग्लानि से युक्त होकर यज्ञ की पूर्णाहुति के समय अपने ही शरीर को उस यज्ञ में समर्पण कर देने को तैयार हुआ। ज्यों ही राजा चोल अपनी आहुति देकर शरीर को समाप्त करना चाहते थे कि भगवान ने प्रकट होकर उसको बीच में ही पकड़ लिया, यज्ञ वेदी में पड़ने ही नहीं दिया। और भगवान ने राजा चोल से कहा, राजन तुमने भी मुझको जीत लिया। तब भगवान ने संकल्प करके एक और सुंदर विमान बुलाया जिसमें बैठकर वह भी परम धाम को चला गया। आगे वह ब्राह्मण और पीछे राजा चोल दोनों ही भगवान के परम धाम को गए, लेकिन पहला नंबर गरीब का रहा और दूसरा नंबर धनवान का रहा। इसलिए जो गरीब भाई हैं उनको ऐसा कभी विचार नहीं करना चाहिए कि हमको भगवान क्यों मिलेंगे। भगवान अगर इस प्रकार की बात सोचने लगे तो फिर भगवान की दर कीमत ही उठ जाएगी, फिर उनका कोई भगवान बना भी नहीं रहेगा। लेकिन भगवान के पास तो उल्टी बात है, वे गरीब को पहले मौका दिया करते हैं, क्योंकि भगवान का नाम ही है दीन दयाल। आप लोगों ने भगवान का नाम दीन दयाल या और भी लाखों नाम सुने होंगे, लेकिन कभी भी आपने भगवान का नाम धनी दयाल सुना है क्या? नहीं, क्योंकि भगवान तो गरीब दीन दुखी एवं अनाथों पर दया करने वाले हैं। भगवान का धनियों से भी किसी प्रकार का द्वेष नहीं है, लेकिन भगवान तो केवल भक्ति एवं प्रेम को ही देखा करते हैं। इसलिए भगवान में केवल मात्र प्रेम करने की ही आवश्यकता है और किसी बात की आवश्यकता नहीं। पापी से भी पापी है, और अगर उसका निश्चय परमात्मा प्राप्ति का है तो किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन एक महान धर्मात्मा है, और अगर उसका निश्चय परमात्मा प्राप्ति का नहीं है तो कहीं पर भी गाड़ी अटकेगी ही बिना ठीक निश्चय और साधन के। इसलिए बारंबार यही सिद्ध होता है कि साधन खूब जोर से चलाना चाहिए और निश्चय कर लेना चाहिए कि अब तो परमात्मा प्राप्ति ही करनी है। नारायण 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 श्रीमल नारायण 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 नारायण
ஜீவன் நாராயண 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 ஆனந்தமே 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 பூர்ணானந்த பூர்ணானந்த அபாரானந்த சாந்தானந்த கணானந்த அச்சலானந்த துருவானந்த நித்யானந்த போஜஸ்வரூபானந்த ஜானஸ்வரூபானந்த ஆனந்தியானந்த 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 சாந்தி சாந்தி சாந்தி.